राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, चलो बढ़िया होने चाहिए। यहाँ भी सब अच्छे हैं, सब मस्त हैं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं 6:24 पे। 6:24 हो रहे हैं, कल से थोड़ा सा सुधार आज हुआ है। आज मैं 5:45 उठा और फ्रेश वगैरह हो आके थोड़ी देर से घूम रहा हूँ। फिर मैंने सोचा अब ब्लॉग का शुरू कर दें, अब ब्लॉग की शुरुआत कर देनी चाहिए अब इस समय। तो अब जैसे मैं ऊपर घूमने आया तो मैंने शुरुआत करी है। और बाकी सब तो बढ़िया चल रहा है। आज छुट्टी है, 2 अक्टूबर है। आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामना। और आज मैं पापे के साथ जाने वाला हूँ गाँव। आपकी शुरुआत देखो मैं कितनी अच्छी करवा रहा हूँ। देखो फूलों से लदा हुई आई, पूरी की पूरी बेल फूलों से लदी हुई है। भगवान जी आपको भी ऐसी हमेशा खुशियों से लादे रखें, हमेशा खुश रखें। और मेरे भगवान जी ये हनुमान जी देखो। चलो मैं थोड़ी देर घूम लूँ, फिर एक्सरसाइज करता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। कुछ बात दिमाग में आएगी तो मैं कर लूँगा आपसे। मैं रोज़ सोचूँ सुबह उठ कर अपने ब्लॉग की शुरुआत किसी नई तरीके से करूँ। ये लोग कह रहे हैं यार आप रोज़ एक ही चीज़ कहते हो, राम राम जी कैसे हैं आप सब, हम अच्छे हैं, ऐसे कुछ नई तरीके से करो। मैं सोचूं आज चलो दूसरे तरीके से कर लेंगे, पर नहीं, जैसे शुरू करता हूँ खुद ही ये शब्द निकलते चले जाएं। मैं इस अलग कुछ निकलता ही नहीं मेरे मुँह से, आदत पड़ गई शायद मुझे इस सब की, आपका हाल पूछने की और अपना हाल बताने की। चलो मिलते हैं। देखो बराबर में देखो भैया ने कितना सुंदर मकान कर लिया अपना, और अभी तो काम चल रहा है, बहुत सुंदर बना रहे हैं, अच्छा लग रहा पूरा वाइट हाउस सुंदर बना रहे हैं बहुत। चलो मैं थोड़ी देर घूम लूँ, सूर्य देवता के दर्शन करवाता हूँ। ऐसे बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा ना, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। सुबह सुबह इन चीज़ों को देखने का और शाम को इन चीज़ों को देखने का कितना मज़ा है। देखो कितने भोले से लग रहे हैं सूर्य देवता इस समय, और दिन में ये अपना जब उग्र रूप दिखाते हैं जब बात अलग होती है। और सर्दियों में ये कितना आराम पहुंचाते हैं, सर्दियों में भी इनका इंतज़ार रहे हुए। उग्र रूप तो नहीं कह सकते हाँ, पर हाँ दिक्कत होती है गर्मियों में, सर्दियों में देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे फ़ोटो बना दिया हो। आ गए हैं सूर्य देवता ऊपर, बिल्कुल पूरी तरीके से दर्शन दे रहे हैं। हाय हाय, आप भी दर्शन कर लो सुबह सुबह के। गर्मियों में इनके आने से डरते हैं और सर्दियों में इनका इंतज़ार करते हैं हम। और पापी ने नीचे अपनी हुक्का भर लिया, चाय पी रहे हैं और या तो कुछ हिसाब लिख रहे हैं। नहीं सुडोकू है, हाँ सुडोकू है। देखो पापी ने इस पर कंप्यूटर से बनवा रखे हैं, इसमें भर लेते हैं फिर उसे करते रहे हैं। और हमारी गिप्पी, इसकी निगाह मुझ पर ही है, बस इसे एक बार बोलने की दे रही है ऊपर आ जाएगी, पूरा इंतज़ार कर रही है, लगातार मुझे देख रही है। अब चलता हूँ जी नीचे थोड़ी देर, वजन चला गया, एक्सरसाइज करूँ। बहुत देर होगी घूमते घूमते, इसके अंदर मधुमक्खी घुस गई है और इसके आसपास आने में जैसा उस दिन गिप्पी को खा लिया है, मुझे भी डर लग रहा है कभी मेरे भी चिपट जाए। चलो चलते हैं नीचे। कैसे हैं सब? बढ़िया ठीक है मम्मी। और आज है गांधी जयंती और अमावस्या, उसकी बहुत बहुत बधाई आप सभी को। खुश रहें और इस धरती का जुम्मा मुझे। हेलो जी, राम राम जी। गुप्पू, गिप्पू, गिप्पी, गिप्पू, और जी अब कल से नोटते शुरू हो रहे हैं, अभी
थोड़ा सा उठा हमें, तो उठ के सामान लेकर आया, और सामान लाने के बाद में देखो ये रखा सामान, ये सामान लेकर आए हम, और सामान लाने के बाद में अब ये जा रहे हैं थोड़ा और सामान है कल के नवरते के लिए, ये जा रहे हैं सामान लेने दूध, हाँ दूध के डिब्बे देकर आवेगी, और दरबार का सामान लाओगी। हेलो, ये दक्ष महाराज हैं और हमारी नंदी जा रही है, मुक्ता भी जा रही है, और एक जा रही है मुक्ता। अब हम सांझी मैया का सामान लेने जा रहे हैं, मेरी मम्मू जी, हाँ बहन मैं भी हूँ दीदी, और ये थी मैं। पसीनों में लथपथ हो गई हैं, खड़ी हुई थी मम्मू का इंतजार करती करती, और मम्मू जी पता नहीं कहाँ शॉपिंग में उधर लग रही हैं, उधर तक है दुकान, मैंने कितनी लंबी दुकान है। देखो जी, हम आगे सामान लेके सारा, गाइस अभी आपको दिखाया था कि हम माल देव माँ का सामान लेने गए थे, तो फिर अब हम मम्मी जी ने बोला था कि अदरक लहसुन का पेस्ट लिया ना यूरो के, तो ना हम दोबारा लेने जा रहे हैं, हम दोबारा लेने जा रहे हैं, जब भूल गए थे याद नहीं रहेगा। चलो वो जाते, तबीयत तो मेरी भी खराब हो रही है, सारों की खराब हो रही है, पर यहाँ उल्टा हिसाब हैगा। ये लोग देखो, ये पहले मैं ये दिखाता हूँ मेन चीज, ये रही बोतल, तो और मेरी माँ हैंगी इनकी, तो ये मारो मारो घुट, ऐसी भी क्या बात है, ये देखो माँ जी ने खेस दिया, देखो नित्या के हाथ में भी है, और मुक्ता पूरी बोतल लियो बैठी है, एक ही डोन हैगा, यू भी देखो यू पीने के बाद पनीर की सब्जी भी ले आई। आज प्रीति का बर्थडे है, आप सब प्रीति को विश कर दियो, हैप्पी बर्थडे प्रीति, और मैं इनसे सबसे कह रहा हूँ हैप्पी बर्थडे, और सारी बात कर रहा हूँ तो इसे लग रहा मैं इससे बात क्यों नहीं कर रहा, इसके बेचैनी हो रही है। आइए तबीयत के बहाने से देखो माजा खींच रहे हैं, माजा लाइए क्या है, माजा पी रहे हैं, मुझे पूछी तक नहीं इन्होंने, जबकि मैं भी तो भाई बुखार तो मेरा है ही है, मैं क्या मीठा बंद करता, मैंने तो मीठा बंद नहीं करा, देखो क्या नई नई बात बना रही है, मीठा बंद कर रखा, अरे भैया मैंने क्यों कर दिया, हम बुखार है ही मान लो, हाँ चलो कोई नहीं, ठंडा पानी पिला दो तो मुझे फ्रिज का, अब हम थोड़ी देर में खाएंगे खाना, आज हमारे यहाँ फिर आखिरकार पनीर बन रहा है, आहा हा 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 हा। कैप्स बन रही है नित्या खाली पेट का कैप्सूल ले रही है, ये जलन नहीं हो रही इसके, गैस ही बन रही है, बहुत देर से गैस गैस कर रही है, घर में बदबू कर रखी है कुछ नहीं, अरे माँ जी हमारे पास कपड़ों में ही लगी रहे, अब क्या करोगी माँ जी इसका, ये माँ जी ने पहले दिखाया था सूट, उसे ही चेक कर रही है अभी, बन गया यू अभी कहाँ बना है, अच्छा बन गया, ओ भाई माँ जी का पेट नहीं भरता हमारी का, खैर पहनना यही है दो तीन, अरे हाय नित्या ने बदबू कर दी, खराब हंस रही है, अरे पापा जी को देख लो, पापा जी लेट रहे थे यहाँ अभी, पापा जी ने देखा मैंने कैमरा उठाया, पापा जी सीधे बैठ गए, अभी आप लेट ही रहे थे, सारी बात लोग बतानी जरूरी होती है, यस सबे पता होना चाहिए कौन लेट रहा है कौन नहीं, मैं लेट रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, वो आप बैठे हो आप एकदम, कैसे बोलो, अरे वो देखो छोटा पिग्गी पीछे कैसे टेढ़ा बैठा है, हमने थोड़ी बताई है पोटी पर पैर रखा गया तेरे पापा जी का, सही बात हमने तो नहीं बताई, सारे घर में चप्पल से गंदा कर दिया, और वाणी पर दक्ष को देख लो, कन्या कंजर जीम रहे हैं लंगूर, कंजर का है ये तो नो लंगूर, अब वाणी सीधी बैठ गई देख के, अपने हिसाब से ही सब्जी ली थी जितना वो है, अरे एक ही से देख लो कितना खाएगी, देख ना भर रखी है, कांच की प्लेट लाई है आज, और शक्ल भी वाइट है और प्लेट भी वाइट है भाई, इतना पनीर तो मैं लंबी ना खाते जितना तन्ने भर रखा है, ये खाती है दक्ष भी खा रहा है, गिप्पी तुझे नहीं मिला खाना, सो जा और देखो नीता पेट में जा रही है अपने, इसके कैसे बन रही है, ये झूठ बोल रही है, सच बोल रही हूँ, और आप किसकी प्लेट लगा रही हो, जलन आपकी, मिल लाओ तो, सच में मेरी है, थैंक यू मम्मू जी,
वहाँ मुझे चाची खाना खिलाए, प्याज भी दे दो, आज पनीर है तो प्याज 70 रुपए किलो हो रही है, प्याज खाओगे तो क्या हो गया, इतनी महंगी चीज नहीं खानी, खानी चाहिए है। इकोनॉमिक्स में है जो चीज महंगी है, इस तरफ कर मेरी तरफ फोकस कर, ध्यान की बात बता रहा हूँ। इकोनॉमिक्स में साफ साफ सिद्धांत है, जो चीज महंगी हो रही है यदि उसे और खरीदोगे तो महंगी होती चली जाओगी, यदि महंगी चीज हो रही है उसे खाना छोड़ दो उसके रेट गिर जाओगे। तुम प्याज खा खा के देश को डुबा दोगे, तो कभी कभी तो मिल जानी चाहिए। इतनी मेहनत कर रहे हैं खाना, अब हम भी खाना खा लेते हैं। चलिए गाइस, माँ जी आपने खा लिया, अभी खाएंगे, आज माँ जी का भी बीपी लो है। चलिए गाइस मिलते हैं थोड़ी देर। जी मैं अपने कमरे में, और आज का तो पूरा दिन लेटने में गया, उठा ही नहीं गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा इतनी जल्दी सारों के बुखार क्यों हो रहा, कभी किसी का हो रहा, कभी किसी का हो रहा, कभी किसी का हो रहा। अब आज मेरे से भी नहीं उठा गया, मुक्ता के भी कई बार हो लिया, नित्या के भी कई बार हो लिया, रोज बुखार, हर तीसरे चौथे दिन या हफ्ते भर में एक बार बुखार जरूर हो रहा, और समझ में नहीं आ रहा। अच्छे से अच्छा खाने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश क्या करें, खा ही रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया खा रहे हैं, फल फ्रूट खाना पीना सब मस्त है, उसके बाद भी बुखार हो रहा है। या तो ये सभी घरों में दिक्कत चल रही है इस तरीके की, यही मौसम बदल रहा है, हमारी दरोगा जी कह रही हैं कि मौसम चल रहा है, ये तो जब भी हाँ तो मौसम की वजह से भी हो सकता है, मौसम का सीधा असर हम पे है, आप तो अंदाजा लगा लो। अब मैं दूसरे के घर में किसके में पूछने गया हूँ, मैं इसमें तो पूछ रहा हूँ दूसरे के घरों में भी ऐसी है क्या, काटने को भगे हर बात पे, समझ में नहीं आती बात। और खाना पीना होगा, अब के कई साल बाद ना मैंने शायद कुछ साल से नवरात्रि के व्रत नहीं रखे, पर मेरा 2-3 दिन सब की बार पहली बार ऐसा, काफ़ी टाइम बाद, पहली बार तो नहीं काफ़ी टाइम बाद मेरा मन कर रहा मैं व्रत रखूँ। अब देखो ये कल कैसा होता है, जम भाई आ रही है, फोन उठाओ जम भाई शुरू। आज मैं पूरे दिन सोया भी, पता नहीं कि मुझे कल भी मेरी आंख दुखती रही, मुझे नींद आती रही, आज सुबह उठा आज भी मुझे नींद आती रही, मैं पूरे दिन पड़ा रहा। तो अब की बार मेरा नवरात्रि का फास्ट रखने का मेरा मन कर रहा है, तो शायद मैं कल से व्रत रखूं। कितने रखे जाएंगे देवी माँ के ऊपर है कि मुझे नहीं पता, ना मैं कोई कमिटमेंट कर रहा, ना अपने आप से ना किसी और से, कल कोशिश करता हूँ व्रत रखने की, जैसे जैसे रखे जाएंगे भगवान रखवाएंगे वैसे ही रख लेंगे। और मतलब अंदर से इंतजार हो रहा मुझे, कल नवरात्रि शुरू होंगे, कल नवरात्रि शुरू, अच्छा सा लग रहा। आप सबको मैं पहले ही बधाई दे दूं कि फिर मैं भूल जाता हूँ आधी बात, तो मुझे बाद में याद आवे जब ब्लॉग बंद कर दूं, तो कल सुबह जब आप ब्लॉग देखोगे तो नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। तो आपको बहुत बहुत शुभकामना नवरात्रि शुरू होने की, भगवान जी आपको खूब खुश रखें, आपके यहाँ खूब बरकत हो, जो दिक्कत आएंगी वे सब दूर हो जाए, देवी माँ की कृपा आप सब पर बनी रहे। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अभी हमारे एक भैया भाभी हैं यहीं पड़ोस में, वे गए हैं अभी बद्रीनाथ जी की यात्रा पे, तो बद्रीनाथ जी की हैं चारों धाम गए शायद, नहीं पक्का नहीं पता इसे, तो कब हिड़ रही है, केदारनाथ नहीं गए यार, थब्बत थैला देख लिया, थैले पे भी बद्रीनाथ जी लिख रहा, बद्रीनाथ जी हाँ बद्रीनाथ जी लिख रहा, तो कब हिड़ती है यार हर टाइम, कोई बात हो भलाई। बद्रीनाथ जी गए हैं, उसके साथ और 3-4 जगह गए हैं, हमें भी नहीं पता, बाकी हमें इतना पता वे प्रसाद लाए, और देखो बड़ी प्यारी सी चीज़ लाए, मैं दिखाता हूँ, मैं क्या दिखाता हूँ, ये दिखावेगी प्रसाद ही, तो मैं हमने तो ले लिया, आप भी इसे ऐसे ही स्वीकार करें। और एक प्यारी सी माला है भगवान जी की, हाँ इस पर रखी, सही है देखो, ओफो कितनी प्यारी सी है ये, मुझे लग रहा है लाए तो होंगे मुक्ता के लिए, पर नियत मेरी ख़राब हो रही है, मैं सोच रहा हूँ मैं ही पहन लूँ, फालकू को कॉलेज वॉलेज में कौन पहन देगा, मैं ही पहन लूँ। और एक वे लाए हैं मुक्ता के लिए शॉल, ओफो कितना प्यारा है, आप इसे ना उसमें मोबाइल में फील नहीं कर पा रहे होंगे इस तरीके से जितना प्यारा ही है, बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर है, मज़ेदार। आप सभी का इसे ना देखने का मन कर रहा होगा हाथ में लेके, पर कोई बात नहीं, मैंने हाथ में ले रखा है, आप इसे महसूस कर सकते हैं, बहुत प्यारा है। और ये हाथ में बांधने का है ये वाला, और ये मुझे लग रहा है ये किस चीज़ की है, ये मैंने पहले एक बार पहनी है, मुझे इस चीज़ का नाम पता, अच्छा ये तुलसी नहीं, ये कुछ और होगा, चलो हाँ जो भी है भगवान जी के दरबार से आई है, और वे बहुत प्यार से लाए हैं। अब देखो इसे कौन हड़पता है, चांसेस तो मेरे ही हैं कि ऐसे कामों में मैं एक्सपर्ट हूँ हड़पने में, मैं गिफ्ट भी हड़प लेता हूँ, चीज़ भी हड़प लेता हूँ, ऐसी कर लेता हूँ, पर प्यार में ऐसा ना सोचे कभी किसी की मैं प्रॉपर्टी हड़प लूँगा जाके, ऐसा नहीं, ईमानदार आदमी हूँ। और बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है,
और कुछ याद आवेगा तो गुड नाइट करने के बाद भी मैं टपक जाऊँगा दोबारा से। तो अब तो कल तो जाना है जी, अब तो ड्यूटी शुरू करनी पड़ेगी। आज आराम कर लिया बहुत है, आज ना सुबह देखो भले नहीं जा पाई, मैंने कहीं काम जावेंगे ना, तो मैंने भले नहीं की तो बता ही दी तुम्हें, शाम को किले जाना है कार्यक्रम में कीर्तन, वहाँ नहीं ले जा पाया पापी को, मेरे से उठा ही नहीं गया। और मुझे अजीब अजीब से लक्षण हो रहे, अजीब अजीब से लक्षण हो रहे, मुझे नू समझ में नहीं आता, मैं डॉक्टर के जाऊँ तो बताऊँगा क्या। और एक हमारे रिश्तेदार हैंगे बहनोई जो हैं, उन्होंने मकान आज तय कर लिया, मकान उनका तय हो गया है, तो बहुत जल्दी इसकी रजिस्ट्री होगी। और आपकी बार में जिस दिन वहाँ जाऊँगा आपको उस मकान को दिखाऊँगा। और हर्षो भी हमारा वापस आ लिया है मनाली से, आज उसके आते टाइम की कुछ वीडियो आज की मैं बेबी डाल रहा हूँ, आपने देख लियो, फिर जब चलेंगे फिर साथ चलेंगे। चलो जी, तो अब करता हूँ मैं सोने की तैयारी, आप अपना ध्यान रखें, आसपास सफाई रखें, रोज़ ध्यान करें, लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और संभव हो तो शेयर कर दें, ना करो तो भैया मत करियो, मैं तो खुशामद ही कर सकूँ पर करते ही नहीं मेरे कहने से कोई। चलो फिर भी ट्राई मारता रहूँगा, खुशामद करता रहूँ, कभी तो आपका दिल पसीजेगा। चलो जी सोते हैं, शुभ रात्रि, गुड नाइट।